बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू MBBS ज़रा हट के। थायरोटोक्सिकोसिस, हाइपर थायरॉयडिज्म, ग्रेव्स डिजीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थायरोटोक्सिकोसिस जो है वो एक ब्रॉड टर्म है, उसके नीचे हाइपर थायरॉयडिज्म आता है, फिर हाइपर थायरॉयडिज्म की मोस्ट कॉमन काज जो है वो ग्रेव्स डिजीज़ है। थायरोटोक्सिकोसिस कहते हैं किसी भी वजह से, ठीक है, बाहर से अगर कोई ले ले या अंदर ही एंडोजेनसली सिंथेसाइज हो और थायराइड ग्लैंड में या एक्टोपिक कहीं से किसी भी वजह से थायराइड हार्मोन ब्लड में ज़्यादा हो तो उसे बोलते हैं थायरोटोक्सिकोसिस। हाइपरथायरॉयडिज्म होता है प्राइमरी, हो सकता है प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म में हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो थायराइड हार्मोन जो है वो ज़्यादा सिंथिसाइज करके सीक्रेट कर रहा होगा, जैसे ग्रेव डिजीज़ जो है उसमें, या टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गोइटर है या टॉक्सिक एडिनोमा है। सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म तब होगी जब आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH सीक्रेटिंग एडिनोमा की वजह से TSH ज़्यादा आ रहा हो, वो आपके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा हो, फिर T3 T4 आपके ब्लड में इंक्रीज़ हो जाए, ये सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म कहलाए। टर्शियरी हाइपरथायरॉयडिज्म भी हो सकते हैं जो कि रेयर है, हाइपोथैलेमस से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग जो फैक्टर है वो ज़्यादा आ रहा हो, वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट कर रहा हो, फर्दर वो आगे TSH और T3 T4 की सिक्रेशन ज़्यादा कर रहा हो हमारे थायराइड ग्लैंड से, तो ये टर्शियरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कहलाता है। तो हमारे जो पेपर में इसका स्नेरियो आता है, उसकी जो साइंस सिम्टम्स है, क्लिनिकल पिक्चर, ये हमें आनी चाहिए ताकि हम स्नेरियो को डायग्नोज कर सकें, फिर इसके लिए स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन जो हम करते हैं इन काजेज़ को आपस में डिफरेंशिएट करने के लिए, पहले तो कंफर्मेशन के लिए कि हाइपरथायरॉयडिज्म है कि नहीं है, हम थायराइड फंक्शन टेस्ट करते हैं जिसमें TSH T3 T4 चेक करते हैं, फिर फर्दर जो काजेज़ हैं उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम फर्दर टेस्टिंग करते हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो एपिडेमियोलॉजिकली ये है कि हाइपरथायरॉयडिज्म या थायराइड के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होते हैं। इसकी वजह ये बाज़ जगहों पे लिखी गई है कि थायराइड में एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, तो एस्ट्रोजन की वजह से थायराइड की पैथोलॉजीज भी हो सकता है एस्ट्रोजन की वजह से फीमेल्स में ज़्यादा हो, तो ये याद रखने के लिए। बाकी अभी एटियोलॉजीज़ की अगर बात करें हाइपरथायरॉयडिज्म की, तो हमारा जो पास पेपर के केसेस है इसमें बाज़ में तो हम डायग्नोसिस हाइपरथायरॉयडिज्म कर रहे होते हैं, बाज़ में हम ग्रेव्स डिजीज़ लिख रहे होते हैं, क्योंकि साइंस सिम्टम्स से, क्लिनिकल पिक्चर से ही हम ग्रेव डिजीज़ को हाइपरथायरॉयडिज्म के दूसरी काज से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो क्लिनिकल पिक्चर पर ही हम डायग्नोसिस ग्रेव डिजीज़ लिखते हैं, फिर फर्दर टेस्टिंग में हम लिख सकते हैं कि ग्रेव डिजीज़ के लिए हम ये टेस्ट करेंगे, इससे कन्फर्म भी होगा। तो हाइपरथायरॉयडिज्म जो है, जैसे मैंने बताया, प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड हार्मोन जो है T3 T4 ज़्यादा सिंथेसाइज करके सीक्रेट कर रहा होगा, उसकी मोस्ट कॉमन काज जो है वो ग्रेव्स डिजीज़ है। ग्रेव्स डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी हमें पता है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ है ये, यानी एंटीबॉडीज़ होते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर को के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ होते हैं जो कि इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से T3 T4 की सिंथेसिस ज़्यादा होती है और वो सीक्रेट होती है ब्लड में। तो एक तो T3 T4 के सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स हमें नज़र आएंगे पेशेंट में, और दूसरा ये है कि जो TSH रिसेप्टर्स नहीं है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिसेप्टर्स, हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ में जैसे पेरी ऑर्बिटल जो फैट है वहाँ टिशू में भी थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटी रिसेप्टर्स होते हैं, तो वहाँ पर भी ये एंटीबॉडीज जाके स्टिमुलेशन करते हैं, तो ग्रेव्स ऑफ्थाल्मोपैथी होती है जो कि स्पेसिफिक है ग्रेव्स डिजीज़ के लिए। इसी तरीके से पेरिटिबियल मिक्सडीमा भी होता है ग्रेव्स डिजीज़ में, ये स्पेसिफिक है ग्रेव्स डिजीज़ के लिए, दूसरे हाइपरथायरॉयडिज्म के जो काज है उसमें ये चीज़ें नहीं होंगी, ये ग्रेव्स डिजीज़ में ये चीज़ें होंगी, क्योंकि इसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिंस या थायराइड रिसेप्टर एंटीबॉडीज जो भी आप कहें वो जाके थायराइड रिसेप्टर, थायरोट्रोपिन रिसेप्टर या TSH रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं, तो वहाँ पे ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस की, हाइलुरोनिक एसिड की एक्युमुलेशन होती है और उस वजह से पेरिटिबियल मिक्सडीमा होता है, और उसी वजह से पेरी ऑर्बिटल वो फेड वो एक्यूमुलेशन ज़्यादा होती है इनकी, तो उस वजह से ग्रेव्स ऑफ्थाल्मोपैथी होती है, ये स्पेसिफिक है ग्रेव्स डिजीज़ के लिए। अच्छा, दूसरा जो काज हो सकता है वो टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गोइटर हो सकता है, टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गोइटर, और तीसरा टॉक्सिक एडिनोमा। ठीक है, टॉक्सिक एडिनोमा में वहाँ पे छोटा सा मतलब एडिनोमा मास होता है थायराइड ग्लैंड के अंदर ही फोलिकल्स का, ठीक है, जो कि थायराइड हार्मोन ज़्यादा सिंथेसाइज करके सीक्रेट कर रहा होता है। मल्टी नोड्यूलर गोइटर में छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं हाइपर फंक्शनिंग सेंटीग्राफी पे, फिर हमें थायराइड अपटेक स्कैन जब हम करते हैं तो उसमें हमें पता चलता है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म के प्राइमरी काजेज में क्या क्या आ गए, ग्रेव्स डिजीज़ है, टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गोइटर है और टॉक्सिक एडिनोमा है। इसके अलावा ऐसे भी हो सकता है कि जैसे सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म की मैंने बात की थी कि पिट्यूटरी एडिनोमा, TSH सीक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा अभी हाइपरथायरॉयडिज्म करा सकता है। उसके अलावा थायराइडाइटिस भी हो सकता है, थायराइडाइटिस जो है वो ट्रांजिएंट हाइपरथायरॉयडिज्म कराता है।
फिर दोबारा हाइपोथायरॉयडिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। थायरॉयडाइटिस में असल में इस तरह होता है, इन्फ्लेमेटरी डिस्ट्रक्शन होती है फोलिकल्स की, थायराइड के जो फोलिकल्स है वो डिस्ट्रॉय होते हैं, तो उनके अंदर जो टी थ्री टी फोर स्टोर्ड है वो ब्लड में रिलीज होता है, तो ट्रांजिएंटली हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। और इनमें थायरॉयडाइटिस में अगर पेनफुल हो, वहाँ पर अगर हम हाथ लगाएं और पेनफुल हो, तो उसे सब एक्यूट या डिक्रोवेन थायरॉयडाइटिस बोलते हैं, और पेनलेस भी हो सकता है, जिसे लिम्फोसिटिक थायरॉयडाइटिस भी बोलते हैं। अच्छा, एक्सोजीनस थायरो जो है एक्सोजीनस थायरो टॉक्सिकोसिस इसने लिखा है। एक्सोजीनस अगर किसी ने सेंट्रोइड के नाम से मिलता है, या लिवोथायरोक्सिन वगैरह लेकर किसी ने लिया हो सिंथेटिक टी थ्री टी फोर, तो उस वजह से भी हो सकता है। अच्छा, इक्टोपिकली था हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। इक्टोपिक हाइपरथायरॉयडिज्म या थायरोटॉक्सिकोसिस कैसे हो सकता है? इसके मेनली जो फीमेल्स में एक स्ट्रूमा ओवेरियाई कहलाता है, यह टेरिडोमा होता है ओवरी का, जिसमें वो जो चीज़ है वो थायराइड ग्लैंड में कन्वर्ट होता है और डायरेक्टली ऐसे थायरॉयड टी थ्री टी फोर सिक्रीट कर रहा होता है ब्लड में, उस वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। और जो कोरियोकार्सिनोमास है या टेस्टिक्यूलर कैंसर्स बाज, वो बीटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन सिक्रीट करते हैं। बीटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन का एक सब यूनिट जो है वो TSH की तरह है, TSH, FSH, LH और बीटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन का अल्फा सब यूनिट सिमिलर होता है। तो बीटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन जब कोरियोकार्सिनोमा से ब्लड में आता है, वो आपके TSH की तरह फंक्शन कर रहा होता है और जाके थायराइड में TSH रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है और T3T4 ज़्यादा प्रोड्यूस कराता है, तो वो भी हाइपरथायरॉयडिज्म के साथ प्रेजेंट कर सकता है। कोरियोकार्सिनोमा वाला बीटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन TSH रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करके T3T4 ज़्यादा कराएगा, या स्ट्रूमा ओवेरियाई जो कि ओवेरियन टेरिडोमा है जिसमें थायराइड टिश्यू बना होता है, वो डायरेक्ट T3 T4 आपके ब्लड में सिक्रीट करेगा और थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकती है। तो ये काजेस हो सकते हैं, लेकिन हमारे पेपर में ग्रेव्स डिजीज़ ज़्यादा आया है या हमने हाइपरथायरॉयडिज्म ही डायग्नोज करना है, फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करने। अब आते हैं, ये तो हो गई एटियोलॉजीज, अब आते हैं क्लिनिकल पिक्चर्स, क्लिनिकल फीचर्स उसके कैसे होंगे, कैसे सिनेरियो में क्या क्या चीज़ें बताई गई होंगी। जर्नल वहाँ पे ये बताया गया होगा कि हीट इंटॉलरेंस है, एक्सेसिव स्वेटनिंग हो रही है, वेट लॉस हो रहा है, ठीक है, और बाउल मूवमेंट जो है वो फ्रिक्वेंट है, ठीक है, और वीकनेस फटीग भी होगी उसे। तो जनरलाइज बीटा स्टिमुलेशन की वजह से हाइपर मेटाबॉलिक आपको पिक्चर होगी, बहुत ही फास्ट बंदा होगा, हीट इंटॉलरेंस वगैरह इस तरीके से। अब स्किन की फाइंडिंग्स, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन की फाइंडिंग वहाँ पे सिनेरियो में दी गई होंगी। ये तो जनरलाइज बात है कि हीट इंटॉलरेंस होगा, वेट लॉस होगा डिस्पाइट की प्रॉपर एपेटाइट, ज़्यादा खाने के बावजूद भी वेट लॉस होगा, फ्रिक्वेंट बाउल मूवमेंट्स होंगे, वीकनेस फेटिक। इसके अलावा उसने वहाँ पे स्किन की अगर फाइंडिंग दी है और आई की फाइंडिंग दी है, तो हम ग्रेव्स डिजीज की तरफ जाएंगे। स्किन की फाइंडिंग्स डर्मेटोपैथी या नेल की भी फाइंडिंग हो सकती है, जैसे आयरन डिफिशेंसी में कॉलोनी किया होता है, इसी तरीके से हाइपरथायरॉयडिज्म में भी नेल में चेंजेस आते हैं, नेल जो है वो बड़ा करते हैं, ऊपर की तरफ पील कर रहे होते हैं, उसको ओनिकोलाइसिस बोलते हैं। ये ग्रेव्स डिजीज़ में होते हैं स्किन की फाइंडिंग्स, दूसरे काजेस हाइपरथायरॉयडिज्म के उसमें नहीं होंगे। आई में जो एक्सोथर्मस वगैरह, अच्छा, पेरी ऑर्बिटल फेट एक्यूमुलेशन, टिशू एक्यूमुलेशन की वजह से आईज बाहर निकल रही होंगी, प्रोप्टोसिस वगैरह, ये अगर दी स्किन की फाइंडिंग, पेरिटिबियल मिक्सेडिमा, ओनिकोलाइसिस और एक्सोथर्मस और प्रोप्टोसिस अगर ये दिए गए हैं, तो हम ग्रेव्स डिजीज़ की तरफ अपनी डायग्नोसिस जो है वो शिफ्ट कर रहे होंगे। उसके अलावा गोइटर जो है, यहाँ पे गोइटर भी हो सकता है, गोइटर अगर डिफ्यूजली इनलार्ज थायराइड ग्लैंड है, तो वो ग्रेव्स डिजीज़ की तरफ हम जाएंगे। नहीं, अगर नोड्यूल समय फील हो रहे हैं एग्जामिनेशन पे, तो मल्टी नोड्यूलर जो है टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गोइटर हो सकता है, या टॉक्सिक एडिनोमा हो सकता है, कोई कैंसर वगैरह सर्जरी में जो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, बीटा स्टिमुलेशन की वजह से हार्ट रेट इंक्रीज होगी, पल्पिटेशंस उससे होंगी, बल्कि थायरोटॉक्सिकोसिस या हाइपरथायरॉयडिज्म का जो पेशेंट होता है उसमें AFib होता ही होता है। इसीलिए अगर कराएं आप देखें, तो उसमें AFib भी होगा, पल्पिटेशन, इरेगुलर पल्स, टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन। हाइपरथायरॉयडिज्म में जो हाइपरटेंशन होता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें पल्स प्रेशर ज़्यादा होता है, यानी सिस्टोलिक प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा और डायस्टोलिक प्रेशर कम होगा। इस तरह केसेस जो है हमारे जो पास पेपर के केसेस है उसमें इसी तरह दिया है। एक उसमें जो फाइंडिंग्स है हाइपरथायरॉयडिज्म का जो पेशेंट हमें दिया, उसमें फाइंडिंग में सिस्टोलिक प्रेशर उसने काफ़ी हाई दिया है 160 और डायस्टोलिक प्रेशर काफ़ी लो दिया है नियरली 60-70 में, तो पल्स प्रेशर को उसने हाई रखा है। हाइपरथायरॉयडिज्म में ब्लड प्रेशर ऐसे इंक्रीज़ करता है कि सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज़ करता है, डायस्टोलिक प्रेशर डिक्रीज करता है, पल्स प्रेशर ज़्यादा होता है। पल्स प्रेशर इज डिफरेंस बिटवीन योर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये कार्डियोवैस्कुलर साइंस सिम्टम्स उसने दिए होंगे सिनेरियो में। अच्छा, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स भी वहाँ पे वो मेंशन कर सकता है। मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स में प्रॉक्सिमल मसल, जैसे आपके हिप के जो फ्लेक्सर मसल्स है, इनकी मायोपैथी के साथ पेन वगैरह और वीकनेस के साथ वो कहेगा कि है, और उसमें अगर आप क्रिएटिनिन काइनेस वगैरह चेक करोगे तो वो नॉर्मल ही होगा। इंडोक्राइनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स साथ में वो दे सकता है। हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों में इंडोक्राइनोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है वो फीमेल में ओलिगोमेनोरिया, एमेनोरिया, ठीक
है, और इनफर्टिलिटी वगैरह, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग वगैरह, इसमें प्रॉब्लम्स होती है, और मेल में गायनेकोमेस्टिया होता है और लिबिडो डिक्रीज होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये वाली प्रॉब्लम्स होती है, या हाइपरथायरिज्म में भी होता है, और हाइपरथायरिज्म में भी ये मेंशन कर सकता है वो सिनेरियो में कि इरेक्टाइल मेल है तो इरेक्टाइल, लेकिन ज़्यादातर फीमेल में ही देगा, सिनेरियो में भी ज़्यादातर फीमेल होंगे उसमें इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या एमिनरिया या ओलिगोमेनोरिया के साथ दे सकता है। बाकी न्यूरोसाइकाइट्रिक जो प्रॉब्लम्स है उसमें हाइपरथायरिज्म में एनजाइटी उसे होगी, रेस्टलेसनेस होगी, इंसोमनिया होगा, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स दिया है इसने नियरली हर सिनेरियो में, हाइपरथायरिज्म में इंसोमनिया, रेस्टलेसनेस, एनजाइटी ये दिया है। अगर आप हाथ उसके देखोगे तो वो ट्रीमर्स वगैरह भी उसमें होंगे, और हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा हाइपरथायरिज्म में। तो क्लिनिक पिक्चर इस तरह दी होगी। चलो चलो एक रैंडम रीड करते हैं यहाँ से, इसमें देखते हैं कि कौन कौन से। अब इसने दिया है 23-year-old वूमेन प्रेजेंटेड विद पल्पिटेशंस, तो हार्ट रेट इंक्रीज है इसकी, ओवर पास्ट 6 मंथ शी हैज़ रिपोर्टेड, अच्छा, लूज स्टूल्स, तो फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट्स हो गए, 4.5 kg वेट लॉस भी दिया है डिस्पाइट एन इंक्रीज एपेटाइट एंड इंक्रीज इरिटेबिलिटी, तो इरिटेबिलिटी भी इंक्रीज है। शी अपीयर्स टू बी एंक्शियस है, और पल्स 110 है, ब्लड प्रेशर जो है ये देखिए अभी 135/80, तो इस तरीके से, और हर थायराइड ग्लैंड इज़ डिफ्यूजली एंड सिमिट्रिकली इनलार्ज, तो ये ग्रेव्स में डिफ्यूजली और सिमिट्रिकली इनलार्ज होता है, इट इज़ नॉन टेंडर, टेंडर नहीं है, एंड थायराइड में ब्रूई जो है वो भी अवेडेबल है, ये भी थायराइड ग्रेव्स डिजीज में होता है। शी हैज़ लीड लेग एंड एक्सोप्थल्मस, ये भी स्पेसिफिक है ग्रेव्स डिजीज की, ठीक है, तो हाइपरथायरॉइडिज्म है। हम आगे लिखेंगे ग्रेव्स डिजीज ने पूछा है व्हाट इज डायग्नोसिस, नेम 3 स्पेसिफिक, अब आगे इन्वेस्टिगेशन वगैरह हम देखेंगे। तो ये क्लिनिकल फीचर्स हमें आगे, तो इनको हम देखेंगे और इससे हम डायग्नोज कर सकेंगे कि ये हाइपरथायरॉइडिज्म है, और फिर फर्दर ग्रेव्स डिजीज अगर स्किन फाइंडिंग्स है और ऑप्थोमोलॉजिकल फाइंडिंग्स अगर दी है तो हम कहेंगे कि ग्रेव्स डिजीज की वजह से हाइपरथायरॉइडिज्म है। अच्छा, अब डायग्नोस्टिक टेस्ट हम इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले जो टेस्ट कराएंगे वो है थायराइड फंक्शन टेस्ट, जिसमें हम TSH पहले देखेंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। प्राइमरी हाइपरथायरॉइडिज्म के जो काजेज है उसमें TSH लो होगा, क्यों लो होगा, क्योंकि आपका प्राइमरी थायराइड जो है ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड T3-T4 ज़्यादा सेंथेसाइज कर रहा है और सिक्रीट कर रहा है, चाहे ग्रेव्स डिजीज की वजह से, चाहे मल्टी नोड्यूलर गोइटर की वजह से, चाहे टॉक्सिक एडिनोमा की वजह से, किसी भी वजह से प्राइमरीली थायराइड ग्लैंड खुद T3-T4 ज़्यादा सिक्रीट कर रहा है, तो वो नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन करेगा जाके पिचुटरी की, तो पिचुटरी से TSH डिक्रीज होगा। तो हमें लैब में जब हम टेस्ट कराएंगे थायराइड फंक्शन टेस्ट, तो उसमें TSH क्या होना चाहिए, ग्रेव्स में डिक्रीज होना चाहिए, और दूसरे भी प्राइमरी हाइपरथायरॉइडिज्म के जो दोनों काजेस है, टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गोइटर और टॉक्सिक एडिनोमा, में TSH डिक्रीज होगा, T3-T4 इंक्रीज होगा, ठीक है, थायराइड फंक्शन टेस्ट पहले हम कराएंगे। अच्छा, उसके बाद रूटीन लेबोरेटरी स्टडीज़ में अगर आप उसका इस तरह कराओ कि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल कराओ, लिपिड प्रोफाइल कराओ, तो टोटल कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज़ हुआ होगा, ये क्यों, क्योंकि जो थायरोक्सिन है, थायराइड हार्मोन है T3-T4, ये इस तरह करता है कोलेस्ट्रॉल की मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करता है, तो LDH जो है वो डिक्रीज़ होगा, LDL भी डिक्रीज़ होगा, HDL भी डिक्रीज़ होगा, टोटल कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज़ होगा। खैर, ये इसने वैसे लिखा है, साथ में ये हम लिख सकते हैं इन्वेस्टिगेशन में कि ये फाइंडिंग होगी लेबोरेटरी स्टडीज़ में, मेनली उसकी डायग्नोसिस के लिए, तो थायराइड फंक्शन टेस्ट करना है, TSH डिक्रीज होगा, T3-T4 इंक्रीज होगा। उसके बाद जो है हम फर्दर इवेल्युएशन के लिए इसे कर सकते हैं कि थायराइड TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज, जिसे TR एंटीबॉडीज भी बोलते हैं, थायरोट्रोपिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज भी बोलते हैं, ये ग्रेव्स डिजीज के लिए हम टेस्ट कर सकते हैं, 90% पेशेंट जो ग्रेव्स डिजीज के उसमें ये पॉजिटिव आएगा। अच्छा, उसके अलावा हम जो ये जो गोइटर है, ग्रेव्स डिजीज है, टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गोइटर है और टॉक्सिक एडिनोमा है, इनको डिफरेंशिएट हम करने के लिए सेंटीग्राफी बोलते हैं या रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक हम चेक कर रहे होते हैं। ग्रेव्स डिजीज़ में डिफ्यूजली अपटेक इंक्रीज होगा, ठीक है, टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गोइटर में हॉट नोड्यूल्स नज़र आएंगे, ठीक है, और टॉक्सिक एडिनोमा में एक हॉट एडिनोमा हमें नज़र आएगा, इंक्रीज जो है डिफ्यूज, ये जो है यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे पिक्चर लगाऊंगा उसमें आपको नज़र आएगा, डिफ्यूजली अगर आयोडीन अपटेक इंक्रीज है तो वो है आपका ग्रेव्स डिजीज़, नहीं अगर छोटे छोटे नोड्यूल्स में है, हॉट नोड्यूल्स है, ठीक है, हॉट नोड्यूल का मतलब है अपटेक इंक्रीज होना, कोल्ड नोड्यूल कहते हैं, अगर अपटेक इंक्रीज नहीं है और वहाँ पे नोड्यूल बना है तो उसे कोल्ड बोलते हैं, और वो मैलिग्नेंसी की एक इंडिकेशन होती है, फिर सर्जरी वाली चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। तो ग्रेव्स डिजीज़ में डिफ्यूजली अपटेक इंक्रीज होगा, जो ये हम सेंटीग्राफी करा रहे हैं रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक। अच्छा, टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गोइटर में जो है वो छोटे छोटे हॉट नोड्यूल्स होंगे, टॉक्सिक एडिनोमा में एक हॉट नोड्यूल होगा, इस तरीके से हम कर सकते हैं। उसके अलावा थायराइड अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, ठीक है, और उसके अलावा और हम कर सकते हैं थायराइड एंटीबॉडीज, जो दूसरे थायराइड एंटीबॉडीज है,
क्या हमें TPO के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ होते हैं, ये सब एक्यूट थायराइडाइटिस वगैरह में ये इंक्रीज होते हैं, और थायरोग्लोब्यूलिन भी चेक कर सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशंस में हम क्या क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस में हम सबसे पहले थायराइड फंक्शन टेस्ट, जिसमें TSH, T3, T4, फ्री T3, फ्री T4 और TSH, TSH डिक्रीज, T3, T4, फ्री T3, T4 जो है वो इंक्रीज़ होंगे। उसके बाद हम फर्दर ग्रेव्स डिजीज़ की कंफर्मेशन के लिए वो कर सकते हैं, क्लिनिकल पिक्चर से ही ग्रेव्स डिजीज़ कंफर्म होता है, लेकिन हम पेपर में इन्वेस्टिगेशंस में TSH, T3, T4 के बाद ये भी लिखेंगे थायराइड रिसेप्टर, थायरोट्रोपिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़, ठीक है। TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ भी हम चेक कर सकते हैं, 90% ग्रेव्स डिजीज़ में ये होंगे। उसके बाद जो प्राइमरी काजेज है थायराइड के, अगर हम उनमें डिफ्रेंशिएट ना कर सके क्लिनिकल पिक्चर से, TSH, T3, T4 से, तो हम इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि सब में TSH चाहिए, ये डिक्रीज होगा और T3T4 डिक्रीज होगा, T3T4 इंक्रीज हुआ होगा, तो ये सेंटीग्राफी रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक जो है इससे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं और थायराइड एंटीबॉडीज़ भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ट्रीटमेंट एक तो इस तरह है कि सिम्टोमेटिक उसको ट्रीट करेंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए बीटा ब्लॉकर देते हैं और मेनली प्रोपेनोलोल देते हैं। प्रोपेनोलोल इसलिए देते हैं, एक तो ये बीटा ब्लॉकर है, तो बीटा जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, बीटा स्टिमुलेशन करता है थायरोक्सिन, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट होती है तो बीटा स्टिमुलेशन ज़्यादा होती है, वो सारे आपका प्रोपेनोलोल उनको ब्लॉक करेगा, पल्पिटेशन, स्वेटनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें। उसके अलावा प्रोपेनोलोल जो है वो इसलिए भी अच्छा है क्योंकि ये इस तरह करता है, पेरिफेरल टिश्यू में आपका T4 जो है वो T3 में कन्वर्ट हो रहा होता है, 5' डीआयोडीनेस एंजाइम था जो T4 को T3 में कन्वर्ट करता था, प्रोपेनोलोल इसको भी इनहिबिट करता है। T3 मोर पोटेंट है और T4 ज़्यादा सीक्रेट होता था थायराइड से ही, हमें फिजियोलॉजी से पता है। अच्छा, उसके अलावा हम एंटी थायराइड जो ड्रग है वो देते हैं, एंटी थायराइड ड्रग में PTU है और मेथामेजोल है। नॉर्मल कंडीशन में हम मेथामेजोल को प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर प्रेगनेंट लेडी है तो उसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी पहले 13 वीक तक हम उसको PTU देते हैं। है तो PTU और मेथामेजोल दोनों टेरेटोजेनिक, लेकिन PTU की प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा है, इसलिए हम प्रेगनेंसी में अगर ग्रेव्स डिजीज की पेशेंट है, हाइपरथायरॉइडिज्म है, उसमें हमने एंटीथायरॉइड ड्रग देना है, तो PTU को हम प्रेफर करते हैं मेथामेजोल से, क्योंकि मेथामेजोल की प्रोटीन बाइंडिंग कम है, वो टेरेटोजेनिक भी है और टेरेटोजेनिसिटी करा सकता है। तो ये ट्रीटमेंट, एक तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो गई, ये दोनों किस तरीके से, एक बीटा ब्लॉकर और दूसरा एंटीथायराइड ड्रग, उसमें मेथामेजोल हम प्रेफर करते हैं सिवाय प्रेगनेंसी के, प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में PTU देते हैं। PTU जो है ये मोर पोटेंट है निस्बतन मेथामेजोल से, तो इसीलिए अगर थायराइड स्ट्रोंग हो तो भी PTU हम देते हैं, एक प्रेगनेंट लेडी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में PTU देंगे, उसके बाद उसे भी मेथामेजोल देते हैं। लेकिन अगर थायराइड स्ट्रोंग हो, ठीक है, थायराइड स्ट्रोंग कहते हैं ये समझो कि इसका क्राइसिस है, इमरजेंसी सिचुएशन है, इसके साथ जब बंदा आए तो उसमें ये सारे हाइपरथायरॉइडिज्म वाले सिम्टम्स होंगे, लेफ्ट टेस्ट में BTSH डिक्रीज होगा, बिल्कुल अनडिटेक्टेबल होगा, T3 T4 इंक्रीज होगा और पल्पिटेशंस, रेस्टलेसनेस, स्वेटिंग, पाकिस्तान, ये सारी चीज़ों के साथ बंदा प्रेजेंट करेगा, ये इमरजेंसी सिचुएशन होगी, इसमें हम उसको फ्लूइड्स देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स में प्रोपेनोलोल देते हैं और एंटीथायराइड ड्रग में PTU से देते हैं क्योंकि PTU मोर पोटेंट है। नॉर्मली अगर हाइपरथायरॉइडिज्म का पेशेंट है, प्रेग्नेंट भी नहीं है और ये थायराइड स्ट्रोंग भी नहीं है, तो हम मेथामेजोल को प्रेफर करते हैं क्योंकि वो लेस पोटेंट है। बाकी इनके साइड इफेक्ट्स मेथामेजोल और PTU के ये है कि खतरनाक वाले जो साइड इफेक्ट्स है वो एक ग्रेन्यूलोसाइटोसिस करा सकता है, जिससे इम्यूनो कम्प्रोमाइज होगा बंदा और फिर इन्फेक्शन वगैरह का रिस्क बढ़ सकता है, और दूसरा ये लीवर फेलियर करा सकता है। तो अगर बंदा जो है हाइपरथायरॉइडिज्म का पेशेंट है और उसमें आप कहें कि वो लेट्स से लीवर डिजीज भी है उसमें, या कोई और कॉन्ट्राइंडिकेशन है, आप PTU और मेथामेजोल से उसे ट्रीट नहीं कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो, तो आपके पास और ऑप्शन क्या है, या ग्रेव्स डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो डेफिनेटिव जो ट्रीटमेंट है उसके लिए हम रेडियो एक्टिव आयोडीन एबलेशन करते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 देते हैं, उससे उसके थायराइड ग्लैंड को ही जला देते हैं, तो वो रेडियो एक्टिव आयोडीन उसको डिस्ट्रॉय करता है। उसके बाद बंदा परमानेंटली हाइपोथायरॉइडिज्म होती है उसमें, तो फिर हम बाहर से उसको थायरोक्सिन पे रखते हैं लाइफ टाइम। और हाइपरथायरॉइडिज्म ज़्यादा खतरनाक कंडीशन है, उससे बंदा मर सकता है, 30% है मोर्टेलिटी इसमें हाइपरथायरॉइडिज्म में। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम से 5-10% होती है, मतलब ये बहुत ही सीवियर और ख़तरनाक कंडीशन है हाइपरथायरॉइडिज्म। हम हाइपोथायरॉइडिज्म इतना प्रॉब्लम नहीं कर सकते, हम बाहर से थायराइड हार्मोन देकर मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, और रेडियो एक्टिव आयोडीन एब्लेशन हो गया। इसके अलावा ग्रेव्स डिजीज़ में हम सर्जरी भी कर सकते हैं, अगर गोइटर है, बड़ा डिफ्यूजली इनलार्ज गोइटर है। नॉर्मल हमारा थायराइड ग्लैंड जो है वो 20 ग्राम्स का होता है, ±5 कर दो उसमें, लेकिन अगर 80 ग्राम से ज़्यादा बड़ा हो जाए और उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स आपको शो होना स्टार्ट हो जाए, तो आप सर्जरी कर सकते हो, टोटल थायरॉइडेक्टमी करोगे या लार्ज गोइटर वगैरह है। और अगर ग्रेव्स डिजीज़ से थायराइड की मेलिग्नेंसी का रिस्क भी बढ़ता है, अगर इस तरह आपको वो हो तो आप उसकी सर्जरी के लिए उसको रिमूव करोगे, टोटल थायरॉइडेक्टमी करोगे। कौन सा कैंसर का रिस्क बढ़ता है ग्रेव्स डिजीज़ में?
फोलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ थायराइड का रिस्क बढ़ता है। तो ग्रेव्स ऑप्थल्मोपैथी है तो हम फिर रेडियो एक्टिव आयोडीन एब्लेशन नहीं करते, ग्रेव्स ऑप्थल्मोपैथी अगर है तो भी हम क्या कहते हैं सर्जरी पे आएंगे। तो ये चीज़ें हो गई, टोटल थायरॉयडेक्टमी करते हैं। अच्छा, स्पेशल पेशेंट ग्रुप्स में आप दे सकते हो हाइपरथायरॉयडिज्म इन प्रेगनेंसी, हमने डिस्कस की, प्रेग्नेंट अगर लेडी है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम पीटीयू देते हैं, मेथामेजोल नहीं देते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, प्रेगनेंसी में अगर हाइपरथायरॉयडिज्म के साथ बंदा आ जाए, उससे पहले उसे हाइपरथायरॉयडिज्म नहीं है, तो आप ये सस्पेक्ट कर सकते हो कि उसमें कहीं कोरियोकार्सिनोमा या मोलर प्रेगनेंसी तो नहीं है, क्योंकि कोरियोकार्सिनोमा और मोलर प्रेगनेंसी में बीटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन ज़्यादा सीक्रेट हो रहा होगा, जिसकी वजह से जो बीटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन TSH की तरह भी फंक्शन कर सकता है, क्योंकि उसका अल्फा सब यूनिट जो है TSH की तरह है, तो उसकी वजह से भी T3 T4 ज़्यादा सीक्रेट होकर हाइपरथायरॉयडिज्म आ सकता है, इसलिए ये कंसिडर करना है। बाकी न्यूनेटल हाइपरथायरॉयडिज्म, छोटे जो अभी बच्चा पैदा हुआ उसमें हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है, 5% जो ग्रेव्स डिजीज़ के पेशेंट्स हैं उनके बच्चे हाइपरथायरॉयडिज्म के साथ प्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ हम बाहर से उसको वहीं प्रोपेनोलोल और मेथामेजोल पे रखते हैं 3 वीक्स में, 1 to 3 months में, इसने कहा है 1 to 3 months में वो न्यूनेटल ग्रेव्स डिजीज रिजोल्व होते हैं। ग्रेव्स डिजीज़ में जो एंटीबॉडीज़ होते हैं थायरॉयड ट्रोपिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज, स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज़, वो IgG टाइप होती है, और IgG प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है, तो वो जाके आपके जो बच्चा है मदर के फिर यूट्रस से प्लासेंटा क्रॉस कर, क्या कह रहा हूँ देखो, तो IgG जो एंटीबॉडीज़ है वो प्लासेंटा क्रॉस कर सकती है, तो न्यूनेट में जाके उसके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे और वहाँ पे गोइटर भी क्रॉस कर सकते हैं, और हाइपरथायरॉयडिज्म के साथ भी बच्चा पैदा हो सकता है। बाकी डायग्नोसिस वही है, ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया। अच्छा, अगर किसी ने बाहर से फैक्टिशियस लिया है, बाहर से थायराइड लिया है, तो उसमें भी TSH तो सप्रेस होगा, T3 T4 लेवल इंक्रीज आपको शो होगा, ठीक है, और साथ में आप सेंटीग्राफी वगैरह आप अगर कराओगे तो उसमें ये होगा कि ये अपटेक जो है वो डिक्रीज़ होगा, डिफ्यूजली डिक्रीज़ होगा। क्यों डिक्रीज़ होगा? क्योंकि TSH ऊपर से नहीं आ रहा है, TSH आता तो वो थायराइड जो है थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन सिंथेसिस करने के लिए आयोडीन अपटेक इंक्रीज़ करता, तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और साथ में थायरोग्लोब्यूलिन, एक थायराइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन से जो ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन से जो थायराइड हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है, एक है थायरोग्लोब्यूलिन जो फोलिकल होता है, उसके अंदर जो थायराइड फोलिकल होता है उसके अंदर जो कोलाइड होता है उसमें एक चीज़ होता है थायरोग्लोब्यूलिन, जिस पे थायराइड हार्मोन बन रहा था, जिसके टायरोसिन रेजिड्यू जो है उसके आइडेंटिफिकेशन वगैरह होकर मिड्स और डिट्स मिलकर T3 और डिट्स और डिट्स मिलकर T4 बन रहे थे, वहाँ पर थायरोग्लोब्यूलिन होता है। अगर इंडोजिनस थायराइड हार्मोन ज़्यादा बन रहा हो तो वो भी थायराइड ग्लैंड में, तो वो थायरोग्लोब्यूलिन का लेवल भी ब्लड में इंक्रीज होगा, लेकिन अगर एक्सोजेनस किसी ने लिया है तो थायरोग्लोब्यूलिन डिक्रीज हुआ होगा। ये ऐसे है जैसे सी पेप्टाइड, हम इंसुलिन एक्सोजेनस और एंडोजेनस इंसुलिन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम सी पेप्टाइड का लेवल चेक करते हैं, इसी तरीके से हम एक्सोजेनस और एंडोजेनस जो थायरोटॉक्सिकोसिस है उसको चेक करने के लिए हम थायरोग्लोब्यूलिन भी चेक कर सकते हैं। अगर फैक्टिशियस एक्सोजेनस थायरोटॉक्सिकोसिस है तो उसकी ट्रीटमेंट यही है कि हम सिम्टोमेटिक कंट्रोल करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स देंगे, प्रोपेनोलोल, साथ में कोलिस्टायरामीन भी दे सकते हैं, जो इंटेस्टाइन में अगर T3 T4 उसने लिया हुआ है तो उसको एब्जॉर्प्शन होने से रोकता है। तो ये चीज़ें, बाकी थायराइड स्ट्रोम मैंने दरमियान में डिस्कस किया, थायराइड स्ट्रोम जो है वो इमरजेंसी है, उसमें हम मेथामेजोल से PTU को प्रेफर करते हैं क्योंकि PTU ज़्यादा पोटेंट है। और बस हो गया मेरे ख्याल में, तो इंशाल्लाह ये जब आएगा सिनेरियो तो हम इसको कर सकेंगे।